सो बेसिकली रीज़न व्हाई ये पोर्शन में आप बोल सकते हो ये इनके जो फादर है किटन्स के, ये इम्पोर्ट लाइनर्स के okay. और ये ट्रिपल कोटेड के ऊपर के बच्चे हैं, फर क्वालिटी वगैरह जो भी है आप देख सकते हो. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड. दोस्तों मैं हूँ आज अल्टीमेट पेट्स जी मोहसिन भाई के पास. और मोहसिन भाई सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि मुझे आके इधर इतना अच्छा लगा और आप इतना अच्छा शॉप कर रहे हैं. सारी एनिमल्स का नाम तो अभी अपन नहीं ले सकते, आज का तो इंशाल्लाह वीडियो पे आ जाएगा इंशाल्लाह. एंड आपके बच्चों में फैमिली में काफ़ी अच्छा प्यार है, सभी एनिमल लवर लगे मुझे जी. और शॉप करना और बहुत अच्छा शॉप करना वो आज समझ में आया मुझे देख के. तो शुरू करते हैं वीडियो जी. जी सो अभी जो ये है कैट्स, ये पर्शियन में क्या बोला जाएगा इसको? सो बेसिकली रीज़न व्हाई ये पर्शियन में आप बोल सकते हो ये इनके जो फादर है किटन्स के, ये इम्पोर्ट लाइनर्स के okay. और ये ट्रिपल कोटेड के ऊपर के बच्चे हैं, फर क्वालिटी वगैरह जो भी है आप देख सकते हो. इनका फर क्वालिटी, बोन क्वालिटी वगैरह जो भी है वो एक्सट्रीम है. अच्छा सब कुछ चीज़ है. और ये थ्री किटन्स है और ये जो लेफ्ट में है ये इनकी मदर है. ये मदर है ये मदर है. जी जी. और काफी अच्छी लार्ज साइज में बोल सकते हैं, बहुत जी बड़ी साइज में है. सो बेसिकली आप थोड़ा दिखा के चाहिए तो इनको छोड़ देते हैं उधर. नहीं एक्चुअली वो लोग थोड़ा सा मस्ती में है. ये इसकी मदर किटन है, ये सारी इनके पास है. क्वालिटी वगैरह, फर क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो जी. थोड़ा आज मैं आप इधर आ जाऊँ लॉट बोल. तो ये जो मदर है भाई ये आपकी होम ब्रीड है, मतलब इसकी पैदाइश आपके अंदर की है? हाँ बेसिकली. सो जो मदर किटन है इससे भी छोटी बच्ची थी जब मेरे पास आई थी, इसकी मम्मी के साथ थी. ओके तो ये अभी इसकी ब्रीड के सारे बच्चे. अच्छा और ये कब से आपके साथ में? इसको तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 इयर्स की हुई है. ये फर्स्ट ब्रीड है इसका. अच्छा. फर्स्ट ब्रीड में 5 किटन का रिजल्ट है इसका. नॉर्मली जल्दी किसी किटन्स का इतना होता नहीं है. तो इसका फर्स्ट ब्रीड है. अभी ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर पे आ गई है. और ये जितने भी बेबीज है इसके लिए 2.15 डेज के है. 15 days. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भाई. तो भाई अगर ये फिलहाल सेल के लिए है तो ये चारों साथ में ही सेल होंगे कि बच्चे अलग दे सकते हैं? ये बच्चे अकेले रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? बेसिकली तो रह लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेल्फ पे है. इनका सॉफ्ट फूड और पैलेट्स वगैरह सब कुछ शामिल है. okay. लेकिन मैं कंसीडर करूंगा अगर कोई अच्छी फैमिली है जो इन सबका केयर कर सकती है एक साथ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको सब एक साथ ही रखो, वो ज्यादा बेहतर है जी. और अगर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट भी देख रहा है तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि किटन्स भी अच्छे हैं. और सबकी और सबसे बेस्ट चीज है इस बार ये कि सारी फीमेल किटन्स हैं. Okay. सारी के सारी फीमेल किटन्स हैं. तो अगर कोई ऐसे फ्यूचर ब्रीड के लिए देख रहा है और अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये काफी अच्छा हो सकता है. माशाल्लाह भाई. सो भाई जैसे कि हम बकरों में वैक्सीन होती है, इनमें भी वैक्सीन होती है? जी इनमें भी वैक्सीन होती है. और ये इनकी जो मदर है ये वैक्सीनेटेड है. बच्चों का वैक्सीन ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद होता है. okay. तो इसलिए ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है. तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं जब तक ये डील हुआ नहीं. जी एग्जैक्टली. इनकी बाद में मिला भाई ये पंच फेस में जा रहे थे? ये मैं एक्चुअली ये जो मेल था ना वो स्ट्रेट फेस पे था, इनका जो फादर था. और ये जो है ये डॉल फेस में पॉइंट फेस बोलते हैं. ओके तो ये सारे बच्चे अगर आप गौर से देखोगे तो वो देखो आप पीछे अगर जूम कर सकते हो उसका फेस आपको ऑलमोस्ट पंच के जैसा ही दिखेगा. जी सी हाँ. तो ये सारे बच्चे स्ट्रेट फेस के करीब में ही है, स्ट्रेट फेस के पॉइंट फेस में. माशाल्लाह. सो भाई ये आस्किंग प्राइस क्या है आपका, क्या मांग रहे हैं आप? सो बेसिकली अगर कोई कॉम्बो में लेता है रईस भाई सो मैं कुछ ऐसा वाजिबी लगा दूंगा. अदरवाइज अगर आपको सिंगल सिंगल चाहिए सो मैं किटन्स का 8K कोट कर रहा हूँ.
और अगर अगर कोई सिंगल फीमेल बड़ी फीमेल लेना चाहता है तो मैं 12K को करता हूँ। जो प्राइस आपने कहा है इसमें कुछ है गुंजाइश और हो जाएगा? हो जाएगा, अच्छी बात है। सो भाई लोकेशन एक बार बता दीजिए कहाँ पर है। सो बेसिकली ये पड़ जाता है नागपाड़ा से क्लोज, अगर आपको जानना होगा तो ये मदनपुरा करके एरिया है, नागपाड़ा से क्लोज भाई। अगर आप नागपाड़ा आके भी कॉल करते हो तो अगर आपको देखना है पर्सनली तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे आना। ओके, और मैं स्पेशली पूछना चाहूँगा कि आपके रेसिडेंस पर है तो कुछ स्पेशल टाइमिंग होगा, क्योंकि कभी भी हमारे जो एनिमल लवर होते हैं वो कभी भी फोन करते हैं, कभी भी विजिट करते हैं हम लोग, तो क्या टाइम पे आना अच्छा होगा कि मतलब? सो बेसिकली मैं टाइम सजेस्ट करूंगा कि 5 to 9 के बीच में आ पाओ, क्योंकि उससे पहले मेरा ऑफिस भी होता है, ऑफिस वर्किंग है, 5 वर्क फ्रॉम होम ही है। बट स्टिल अगर किसी को है देखना है तो 5 to 10 या 5 to 9 के बीच में आ सकते। जी, तो आपका नंबर मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ जी, और इंशाल्लाह रिस्पांस आए। आपका शॉप देख के बहुत अच्छा लगा भाई। आपका इंस्टाग्राम आईडी एक बार बता दीजिए ना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो pet_ultimate। सो आप उसका स्क्रीन शॉट भी भेज दीजिए जो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ अभी, अगर लोग देख पा रहे हैं तो। अगर देखना है तो भाई का शौक उस पर भी देखने को मिल जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। जी जी, जजाकल्लाह खैर।